पैरामाउंट कॉलोनी शेखपुरा डिवीजन टोली चौकी में पिछले 10 दिन से जो ओमिक्रॉन का केसेस में इजाफा हुआ, जो केनिया से लोग आए हैं यहाँ पर इलाज के लिए, अभी तक 10 दिन में 7 केसेस पॉजिटिव आए हैं ओमिक्रॉन के, जिसको हॉस्पिटल मुंतखब किया गया है और वो लोग जिससे कॉन्टैक्ट में आए हैं वो लोग को भी क्वारंटाइन में रखा गया, क्योंकि वो लोग के तरफ से और ये वायरस ना फैले। यहाँ पर पैरामाउंट में डेली हम लोग हमारे जमात के इब्तदाई सदरों के तरफ से कंप्लीट सैनिटाइज हो रहा है, मुकम्मल वो लोग खुद ठहर के यहाँ पर सैनिटाइज करा रहे हैं, क्योंकि ये वायरस और ना बढ़े। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी इस चीज़ की इतला दिया हूँ पूरी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे अभी तक 10 दिन से कंटिन्यू जो जिस तरीके से हम लोग मेडिकल डिपार्टमेंट को जिस तरीके से कोऑपरेशन चाहिए, मैं और मेरे यहाँ के इब्तदाई सदर पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और जितना हो सकता हम लोग ये वायरस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब ये लोग एयरपोर्ट से जब ये लोग भेज दे रहे हैं टेस्ट लेकर, यहाँ पर आए बाद अगर वो पॉजिटिव आया तो मुश्किलात हो रही है। अगर एयरपोर्ट पे ही वो लोग को 1-2-3 दिन रख के क्वारंटाइन करे, तो वहाँ अगर किसी को पॉजिटिव नहीं आता है तो वो लोग भेज सकते हैं। कि अभी तक 790 टेस्ट RT-PCR कराया गया, जिसमें वो लोग उसमें तो कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव नहीं आया। जो बाहर से आए हैं वो लोग की जब रिपोर्ट गई हुई थी एयरपोर्ट से, जब वो लोग का टेस्ट लिया गया वो लोग की रिपोर्ट से पॉजिटिव आया। वैक्सीन का कंटिन्यू है प्रोग्राम शेखपेट में, अभी तक 6 महीने से हमारे पास सदर मोहतरम की हिदायत पे कंटिन्यू वैक्सीनेशन चल रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग डोर टू डोर भी वैक्सीनेशन पैरामाउंट में कराए हैं। और RT-PCR टेस्ट के लिए 50 आदमी का स्टाफ यहाँ पर डेली काम कर रहा है, हम लोग साथ में है लोग। Thank you.